नमो बुद्धाय। दुनिया का एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। जहाँ से दिया का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, वहीं पर अंधेरा रह जाता है। उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध जी बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं से सत्य धर्म फैलाने के लिए शुरू किए थे, परंतु बोधगया में ही बाद में धर्म खत्म हो गया, लेकिन दूसरे देशों में धर्म बच गया। लेकिन श्रीलंका से एक कार्मिक दिल वाले एक दिया लेकर आया, जिससे बोध गया फिर से प्रकाशित हो गया। लेकिन हम लोग का भाग्य के कारण वो दिया हम लोग के साथ बहुत समय तक नहीं जल पाया। अचानक एक घनघोर तूफान आने के कारण हमारे दिया फिर से बुझ गया और हम लोग अंधेरे में आ गए। वो दिया लाने वाले हमारे परम पूजनीय गुरु बंती जी थे। वो दिया कोई और ही नहीं बल्कि हमारे पूजनीय, हमारे गुरु के समान हमारे परम पूजनीय कुसलचित्त भंत जी हैं। आइए उन महान भंत जी को हम सभी लोग मिलके दिल से याद करेंगे, गुण गाएंगे, नमन करेंगे। भगवान तू मेरे सास्थाभितु, लोभ क्रोध को त्याग के मोह मिटाए, पवित्र मन वाले आर्य सत्य को जान के निर्वाण को पाए, संबुद्ध तू ही है मेरे भगवान, अंधकार गहरी प्यास में पानी तू है, आंसू पोछने वाले मेरे भगवान, शरण जाएंगे सदा तुम्ही को, नमन करेंगे मेरे गुरु को, मेरे जीवन ज्योति तू हो सदा, पैर फिसल के गिरते समय ना गिरे हम तेरे पद से, तेरे बिना हमको कोई नहीं, तेरे बिना हमको कोई नहीं। आइए हम सभी लोग मिलकर भंते जी का मदद पर
कृतज्ञता चुकाएंगे, याद करेंगे। दिया तो बुझ गया, लेकिन उसी दिया से मिलने वाले प्रकाश हमें अब तक याद है। माँ पिताजी हमें जन्म दिए, उन्होंने बड़े प्यार से हमें बड़ा किए, लेकिन हमें आगे बढ़ने का रास्ता, सही मार्ग, संस्कार मेरे परम गुरु कुसलचित्त भंते जी ने दिखाए। उन हमारे मार्गदर्शक भंते जी को मेरा नमन। सचमुच में वैसे उन कल्याण मित्रों का संगत कितना अच्छा है। कल्याण मित्र का सत्संग का सही राह हमें कुसलचित्त भंते जी ने बताया। उन हमारे परम पूजनीय कुसलचित्त भंते जी को मेरा नमन हो। कुसलचित्त भंते जी के कारण कल्याण मित्र को सेवा करके सुख को पाने का हमें अनुभव हुआ है। उन कल्याण मित्र भंते जी को मेरा सत्य सत्य नमन। भगवान बुद्ध को सेवा करके उनका पुत्र बनने का सौभाग्य मैंने कुसलचित्त भंते जी से पाया है, जिन्होंने मेरा जीवन भाग्यशाली बना दिया। हमारे कुसलचित्त भंते जी को उसे पुण्य की महान भाव बन से सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। जिस प्रकार सूरज की गर्मी से जलते हुए शरीर को घने वृक्ष की छाया में सुख मिलता है, उसी प्रकार का सुख मुझे उनके ज्ञान को सुनकर अनुभव हुआ। वो दिल को छू जाने वाले ज्ञान हमने कुसलचित्त भंते जी से सीखा है। उन आर्य मित्र कुसलचित्त भंते जी को मेरी वंदना है। कुसलचित्त भंते जी ने मुझे पापी मित्र से दूर रहने के लिए सिखाए। उन हमारे परम कल्याण मित्र कुसलचित्त भंते जी को मेरा नमन। कुसलचित्त भंते जी के कारण मैंने पुण्य और पाप को समझा। You have supported me when I was weak. You learned me, although you were not only our teacher, our noble friends with philosopher. Because of Kusalachitta Bhante Ji, I knew about four noble truths and realized the way of Supreme Buddhism. Because of him, I relived the life. We will always be grateful for your support. हमेशा उन्होंने मुझे ध्यान दिया। जब मैं गिर गया तो उन्होंने ही मुझे उठाया। हमेशा मुझे माँ पिताजी से भी ज़्यादा प्यार और सुख दिया। ये सभी पुण्य की बल से उन हमारे परम पूजनीय कुसलचित्त भंते जी को सुंदर निर्वाण मिल जाए। My life was in darkness. Because of Kusalachitta Bhante Ji, I got light of Dhamma. Kusalachitta Bhante Ji teaches us about the real way of living life and to escape from all evil deeds. So I pay homage from the bottom of my heart to our great noble friend Kusalachitta Bhante Ji. कुसलचित्त भंते मुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलाए हैं। गुस्सा से गुस्सा कभी शांत नहीं होता है,
गुस्सा शांत होता है गुस्सा नहीं करने से, इसका मतलब मैत्री करने से। मैत्री शब्द का सही मतलब मैंने जीवन में पहली बार सुना उन हमारे कुशल चित्त भंते जी के प्रिय वचनों से। भगवान बुद्ध कौन है ये मैं पहले नहीं जानता था, आर्य धर्म क्या होता है ये भी नहीं जानता था, असली मुनिवर कौन होते हैं ये भी नहीं जानता था, लेकिन कुशलचित भंते जी ने मुझे भगवान बुद्ध, आर्य धर्म एवं आर्य मुनिवर के बारे में बताया। इतना ही नहीं, उनके बताए गए मार्ग पर चलने के कारण मैं उन ऋषि मुनियों के मार्ग पर भी चल पड़ा, इसलिए उन महान कल्याण मित्र को मेरा कोटि कोटि नमन हो। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, सभी लोगों को अनुबोध करने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी का पवित्र श्री सत धर्म सरल हिंदी भाषा में हम लोगों को बताने वाले उन महान करुणा से भरे हुए हमारे कल्याण मित्र कुशलचित्त भंते जी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान बुद्ध जी ने बताया, क्रोध को हम मैत्री से जीत सकते हैं, बुराई को अच्छाई से जीत सकते हैं, लोभ को दान से जीत सकते हैं और सत्य से हम झूठ को हरा सकते हैं। इन सभी ज्ञान की सही दिशा हमें कुशलचित्त भंते जी ने सिखाया। पहले हम सील का नाम तक नहीं जानते थे, ध्यान क्या होता है मालूम ही नहीं था, पुण्य पाप ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अब मैं हमेशा सील पालन करता हूँ, दान देता हूँ, रोज ध्यान भी करता हूँ, धर्म सुनकर ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश भी करता हूँ। ये सब मुझे मेरे परम कल्याण मित्र कुशलचित्त भंते जी ने सिखाया है। उन महान भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। तथागत भगवान बुद्ध, आर्य धर्म तथा आर्य महासंघ की आश्चर्य गुण के बारे में सुनना अतिशय दुर्लभ है। तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र आश्चर्य गुण को सुनने का मौका तथा उनकी गुण को सुनकर तथागत भगवान बुद्ध जी का पवित्र चरण को गुण को याद करके वंदना करने का मौका उन हमारे महान कल्याण मित्र दया से भरे करुणा मन से भरे उन हमारे कुशलचित्त भंते जी ने सिखाया उन महान मुनिवर को मेरा नमन हो। भंते कुशल चित्त सचमुच में कुशल चित्त ही थे, उनका चित्त कुशल था। मैं उनके साथ करीब करीब 2005 से लेकर के 2015 तक रहा, उनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं उनको मगध की धरती पर पा करके बहुत धन्य हो गया। यहाँ से दूर दूर तक गांव में मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों प्रोग्राम में गए और अपने कुशल प्रतिभा से सब लोगों का मन मोह लिया। मैं जब भी उनको याद करता हूँ, अंतिम समय में भी मैं उनके साथ रहा,
और जब भी मैं इनको याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती है। मैं उन महान कुसलचित भंते जी को श्रद्धा से नमन करता हूँ। जिस तरह बसंत ऋतु में पेड़ पौधे फूल और फलों से भर जाते हैं, उसी तरह कुसलचित भंते जी ने भी भगवान बुद्ध का आश्चर्य धर्म का ज्ञान बताकर हमारे जीवन को खुशियों से भर दिए। इसलिए कुसलचित भंते जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। श्रद्धा धन को पाने की राह हमने कुसलचित भंते जी से सिखाया। पहले अविद्या में डूबे हुए थे, हमने बहुत मंदिर में भजन कीर्तन गाए लेकिन शांति नहीं मिली। उसके बाद हमने इस बुद्ध ज्ञान आश्रम के बारे में एक पत्र में पढ़ा। उसी समय मेरे मन में ज्ञान सुनने का प्यास आ गया। तब हमारे कुशलचित गुरु जी ने भगवान बुद्ध को पवित्र ज्ञान बताकर, प्यासे लोग जिस प्रकार पानी पीकर प्यास को बुझा लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी पवित्र ज्ञान को दर्शन करके प्यास को बुझा लेते हैं। कुशलचित गुरु जी को मेरा नमन हो। यह है दुनिया का सबसे पवित्र और परिशुद्ध स्थान। जो लोग श्रद्धा मन से इस वज्रासन को वंदना करता है या दर्शन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये पवित्र वज्रासन का रहस्य मैंने कुशलचित भंते जी से जाना है। उन कुशलचित भंते जी को मैं दिल से याद करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया, इस दुनिया का सब चीज बदल जाता है। बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े व्यक्तियों का यश कीर्ति, उनका प्रशंसा, ये सब बदल जाता है। लेकिन उन पवित्र मन से युक्त, उन पवित्र दिल वाले अरहंत मुनिवरों का मन कभी नहीं बदलता है। उन पवित्र अरहंत मुनिवरों का गुण को सिखाने वाले, उनके गुण को दर्शन करवाने वाले उन परम कल्याण मित्र हमारे कुशलचित भंते जी को मेरा नमन। बुद्ध गुण कविताओं को सुनकर मैंने भगवान बुद्ध जी का असीमित गुणों का दर्शन किया। कुशलचित भंते जी मुझे बहुत प्यार से कुशलचित भंते जी आए, हमारा गांव धन्य हो गया। संडे स्कूल खोलने के बाद गांव के बच्चा लोग भी सुधर गया। कुशलचित भंते जी के कारण भगवान के लिए रोज फूल लाता हूँ। अगर भंते जी इधर नहीं आते तो हम अब तक अंधेरे में ही डूबे रहते। इस भयानक संसार की खतरे को दिखाकर इस खतरे से मुक्त होने का असली राह में हमारे कुशलचित भंते जी ने दिखाया है। उन पवित्र दिल वाले भंते जी को मेरी वंदना हो। कुशलचित भंते जी के कारण मैंने दुनिया का सबसे महान लाभ पाया। जो कोई लोग इस लाभ को पा लेते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। वे महान लाभ है भगवान बुद्ध जी का शरण। वे महान लाभ देने वाले मेरे कुशलचित भंते जी को मैं नमन करती हूँ। उनके कृतज्ञता को हम कभी नहीं भूलेंगे। नमो बुद्धाय। जब मैं दुख पीड़ा से परेशान होकर अपने आँखों से आंसू बहा रहा था, तब उस दुख पीड़ा से मुक्त होने का उत्तम मार्ग बताकर एवं
भगवान का ज्ञान बताकर मेरे आंखों से गिरने वाले आंसुओं को जल्दी पोंछ दिए, जिसके कारण आज मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। मेरे उन आंसुओं को पोंछने वाले कोई और ही नहीं, मेरे परम गुरु कुसलचित भंते जी ही थे। मैं ये उनका उपकार जीवन भर याद करता रहूँगा। हम नहीं जानते थे कि आप हम लोगों से इतना जल्दी दूर चले जाएंगे, लेकिन आपके कारण हम सभी लोग ये जरूर जान गए कि इस संसार में कुछ भी सदाकालिक नहीं है, सब कुछ अनित्य है। भगवान की धरती में आते हैं हम संसार में, जाते हैं हम संसार में, दिखाने वाले कौन है पार दिखाने वाले, देखो देखो आया है, लंका से वो आया है, बुद्धवाणी की दिया जला के हमको पार दिखाया, प्यार की रोशनी से ज्ञान की रोशनी से मानवता की रोशनी से हमको राह पाप की मार्ग दिखाया, सर्वोत्तम निर्वाण दिखाया, चारों तरफ से बादल घिर के अचानक तूफान आया, हमारे दिया लंका वाले बंते कुशल चित्त गुरु जी बुझाया, क्यों इतना जल्दी दिया
उनके प्रति मदद को चुकाने के लिए कम से कम हम सभी लोग एक तो कर सकते हैं, उनको बताए गए भगवान बुद्ध का रास्ता पे चलकर, शांति के रास्ता पे चलकर, ज्ञान के रास्ता पे चलकर हम सभी लोग उनका उपकार को चुका सकते हैं। तभी भंते जी जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से देखकर हम सभी लोग के प्रति खुश होंगे, उनको प्रतिदिन पुण्यानुमोदना करेंगे। तेरे नैन थक चुके हैं भक्तों के दर्शनों से, सब सो गए हैं जाकर तेरे समीप आकर, तेरे नैन थक चुके हैं के दर्शनों से, सब सो गए हैं जाकर तेरे समीप आकर, यह प्रार्थना हमारी, यह प्रार्थना हमारी, जाओ नींद प्यारी।
पिता तू माता तू सभी गुणों का दाता। जीव सो गए हैं तेरे ही स्वप्न लेकर नींदों में खो गए हैं। तेरे भक्ति रस में डूबे सब जीव सो गए स्वप्न लेकर नींदों में खो गए हैं। यह प्रार्थना हमारी यह प्रार्थना हमारी सो जाओ नींद प्यारी। तू गुरु पिता तू माता तू सभी गुणों का दाता। तू गुरु पिता तू माता तू सभी गुणों का दाता। यह प्रार्थना हमारी यह प्रार्थना हमारी सो जाओ नींद प्यारी। तू गुरु पिता तू माता तू सभी गुणों का दाता। नमो बुद्धाय। आप अपना जीवन खुशी से जीने के लिए आज ही तथागत के मार्ग की ओर कदम रखिए, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपका जीवन खूबसूरत हो, शांतिमय हो, तथागत के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए, आपका जीवन में भी उत्तम शांति ही प्राप्त हो। नमो बुद्धाय।